अस्सलाम वालेकुम। इम्पेरेटिव टेंस की आज हमारी ये 8वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ ईआर और आईआर पर ख़त्म होने वाली रेगुलर वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए तू, उस्तेद, नोसोत्रोस और उस्तेदेस के साथ फिक्र बनाएंगे। अगर आपने इम्पेरेटिव की हमारी पहली 3 वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो पहले वो देख लें, क्योंकि उनके बिना आपको इस वीडियो की समझ नहीं आएगी कि ये फिक्रे कैसे बन रहे हैं। तो हमारे पास पहली वर्ब है अबरीड। अबरीड मतलब खोलना। इसका फिक्रा बनेगा तू के साथ इम्पेरेटिव अबड़े। अबड़े मतलब खोलो। और नेगेटिव फिक्रा बनेगा नो अबड़ास। नो अबड़ास मत खोलो। और उस्तेद के साथ इसका इम्पेरेटिव फिक्रा बनेगा आबड़ा। आबड़ा मतलब खोलें। सामने वाला बंदा एक है लेकिन अदब से कहा जा रहा है खोलें। तो इसका नेगेटिव फिक्रा बनेगा नो आबड़ा। नो आबड़ा मत खोलें। और इसी तरह नोसोत्रोस के साथ इसका फिक्रा बनेगा आबड़ामोस। आबड़ामोस चलो खोलें। और नेगेटिव फिक्रा बनेगा नोसोत्रोस के साथ नो आबड़ामोस। नो आबड़ामोस चलो नहीं खोलते। इसी तरह उस्तेदेस के साथ फिक्रा बनेगा आबड़ान। आबड़ान खोलें। सामने वाले एक से ज़्यादा बंदे हैं उन्हीं को कहा जा रहा है कि आप खोलें। तो इसी तरह नेगेटिव फिक्रा बनेगा उस्तेदेस के साथ नो आबड़ान। नो आबड़ान मत खोलें। तो ये हमारी वर्ब होगी अबरीड। अब हमारे पास वर्ब है देस्क्रिबीर मतलब बयान करना। इस वर्ब को इस्तेमाल करते हुए तू के साथ हमारा इम्पेरेटिव फिक्रा बनेगा देस्क्रिबे। देस्क्रिबे बयान करो। और नेगेटिव फिक्रा बनेगा नो देस्क्रिबास। नो देस्क्रिबास बयान ना करो। और इसी तरह उस्तेद के साथ फिक्रा बनेगा देस्करीबा। देस्करीबा बयान करें। और नेगेटिव फिक्रा बनेगा नो देस्करीबा। नो देस्करीबा बयान ना करें। इसी तरह नोसोत्रोस के साथ फिक्रा बनेगा देस्करीबामोस। देस्करीबामोस चलो बयान करें। और नेगेटिव फिक्रा बनेगा नो देस्करीबामोस। नो देस्क्रिबामोस चलो बयान नहीं करते। और इसी तरह उस्तेदेस के साथ फिक्रा बनेगा देस्क्रिबन। देस्क्रिबन बयान करें। एक से ज़्यादा बंदों को कहा जा रहा है। और नेगेटिव फिक्रा बनेगा नो देस्क्रिबन। नो देस्क्रिबन बयान ना करें। तो इसी तरह अगली बार पर एस्क्रिबीड। एस्क्रिबीड मतलब लिखना। इसका फिक्रा बनेगा तू के साथ एस्क्रिबे। एस्क्रिबे लिखो। और नेगेटिव फिक्रा बनेगा नो एस्क्रिबास। नो एस्क्रिबास मत लिखो। और इसी तरह उस्तेद के साथ फिक्रा बनेगा एस्क्रिबा। एस्क्रिबा लिखें। और नेगेटिव फिक्रा बनेगा नो एस्क्रिबा। नो एस्क्रिबा मत लिखें। इसी तरह नोसोत्रोस के साथ फिक्रा बनेगा एस्क्रिबामोस। एस्क्रिबामोस चलो लिखें। और नेगेटिव फिक्रा बनेगा नो एस्क्रिबामोस। नो एस्क्रिबामोस चलो नहीं लिखते। इसी तरह उस्तेदेस के साथ फिक्रा बनेगा एस्क्रिबान। एस्क्रिबान लिखें। और नेगेटिव फिक्रा बनेगा नो एस्क्रिबान। नो एस्क्रिबान मत लिखें। इसी तरह अगली वर्ब है हमारे पास बारेड। बारेड मतलब झाड़ू लगाना। तू के साथ इसका फिक्रा बनेगा बारे। बारे झाड़ू लगाओ। और नेगेटिव फिक्रा बनेगा तू के साथ नो बारास। नो बारास झाड़ू ना लगाओ। और उस्तेद के साथ फिक्रा बनेगा बारा। बारा
झाड़ू लगाएं, और नेगेटिव फिगरा बनेगा नो बारा, नो बारा, झाड़ू ना लगाएं। तो इसी तरह नोसोत्रोस के साथ फिगरा बनेगा बारामोस, बारामोस, झाड़ू लगाएं, मतलब चलो झाड़ू लगाएं। तो नेगेटिव फिगरा बनेगा नो बारामोस, नो बारामोस, चलो झाड़ू नहीं लगाते। इसी तरह उस्ते देश के साथ फिगरा बनेगा बारान, बारान, झाड़ू लगाएं। और नेगेटिव फिगरा बनेगा नो बारान, नो बारान, झाड़ू ना लगाएं। तो अगली बार भी हमारे पास कोमेड, खाना, तो यानी कि खाने को खाना वर्ब है, ठीक है। तो इसका फिगरा बनेगा तू के साथ इम्पेरेटिव कोमे, कोमे, खाओ। नेगेटिव फिगरा बनेगा नो कोमास, नो कोमास, मत खाओ। उस्तेद के साथ फिगरा बनेगा कोमा, कोमा, खाएं। और यूं भी कह सकते हैं तनावुल फरमाएं। तो इसका नेगेटिव फिगरा बनेगा नो कोमा, नो कोमा, मत खाएं। इसी तरह नोसोत्रोस के साथ फिगरा बनेगा कोमामोस, कोमामोस, चलो खाएं। और नेगेटिव फिगरा बनेगा नो कोमामोस, नो कोमामोस, चलो नहीं खाते। इसी तरह उस्तेदेस के साथ फिगरा बनेगा कोमान, कोमान, खाएं। और नेगेटिव फिगरा बनेगा नो कोमान, नो कोमान, मत खाएं। तो अगली बार में कोरेड, कोरेड मतलब दौड़ना। इसका इम्पेरेटिव फिगरा बनेगा तू के साथ कोर्रे, कोर्रे मतलब भागो। और नेगेटिव फिगरा बनेगा नो कोर्रास, नो कोर्रास, मत भागो। इसी तरह फिगरा है अगला उस्तेद के साथ कोर्रा, कोर्रा, भागें। और नेगेटिव फिगरा बनेगा नो कोर्रा, नो कोर्रा, मत भागें। इसी तरह नोसोत्रोस के साथ फिगरा बनेगा कोरामोस, कोरामोस, चलो भागें। और नेगेटिव फिगरा बनेगा नो कोरामोस, नो कोरामोस, चलो नहीं भागते। इसी तरह उस्ते देश के साथ फिगरा बनेगा कोरान, कोरान, भागें। और नेगेटिव फिगरा बनेगा नो कोरान, नो कोरान, मत भागें। इसी तरह अगली बार भी रोमपेड, रोमपेड मतलब तोड़ना। तो इसका तू के साथ फिगरा बनेगा रोमपे, रोमपे, तोड़ो। और नेगेटिव फिगरा बनेगा नो रोमपास, नो रोमपास, मत तोड़ो। इसी तरह उस चीज के साथ फिगरा बनेगा रोमपा, रोमपा, तोड़ें। और नेगेटिव फिगरा बने, फिगरा बनेगा नो रोमपा, नो रोमपा, मत तोड़ें। इसी तरह नोसोत्रोस के साथ फिगरा बनेगा रोमपामोस, ठीक है, रोमपामोस, रोमपामोस, चलो तोड़ें। और नेगेटिव फिगरा बनेगा नो रोमपामोस, नो रोमपामोस, चलो नहीं तोड़ते। इसी तरह अगला फिक्रा है उस्ते देश के साथ रोमपान, रोमपान, तोड़ें। और नेगेटिव फिगरा बनेगा नो रोमपान, नो रोमपान, मत तोड़ें। तो ये थे आज के फिक्रे जो कि हमने बनाए रेगुलर वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए, जिनका अख्तिताम होता है ईआर पर और आईआर पर। आज एक ही वीडियो के अंदर हमने तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इम्पेरेटिव फिगरे बना दिए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको इम्पेरेटिव टेंस की बहुत सारी यानी कि समझ आ गई होगी, और साथ में हमने प्रैक्टिस भी कर ली। 8 वीडियोस हो गई हैं इम्पेरेटिव टेंस की। अगर आपने इससे पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं
तो आप वो देख लीजिए। तो अगली वीडियो से इम्पेरेटिव का अगला स्टेप शुरू करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि इम्पेरेटिव को हमने रेगुलर वर्ब के साथ किस तरह इस्तेमाल करना है। तो इम्पेरेटिव को आगे हम देखेंगे कि इरेगुलर वर्ब्स के साथ कैसे इस्तेमाल होता है। और भी इसके कुछ मेथड हैं इसको इस्तेमाल करने के, वो भी देखेंगे अगली वीडियोस के अंदर। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।